शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं अपने बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ स्पैगेटी, तो वो नूडल स्पैगेटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताने लगी हूँ, सबसे पहले क्या करना है, मैंने लाइट सा ऑयल डाला है और उसमें ये मैंने प्याज डाल दी है। अब इनको हमने क्या करना है, लाइट सा नरम कर लेना है, गोल्डन ब्राउन सा कर लें। आप देखते जाइएगा मैं अभी क्या करती हूँ। ये देखते हैं, काफ़ी नरम हो गए हैं और चिकन मैंने काट के रख लिया है। ये देखें, मैंने इसको लंबे स्ट्रिप्स की फॉर्म में, आप अपनी शेप्स अपनी मतलब पसंद से दे सकते हैं। आप क्यूबिक फॉर्म में देना चाहते हो, लंबाई में देना चाहते हो, जैसे मर्जी कर लो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन को गलना है तो उसको हमें थोड़ा पानी डाल के गलाना पड़ेगा, और ये साथ ही हमारा जो प्याज है ये साथ ही हो जाएगा। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा नमक, बिल्कुल सिंपल वे में मैं बताती हूँ आपको। और रेड चिली थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिएगा, क्योंकि नूडल्स जो हैं वो उसको अब्जॉर्ब करती हैं। ये ऐसे तकरीबन हो गया, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल हमने जब स्पैगेटी को बॉईल करना है तो तब डालना है, अगर ऑयल डालेंगे तो वो सालन जैसा हमें लुक देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसमें चिकन को ऐड कर लेते हैं। ये मैंने चिकन जो लिया, ये दूसरा चेस्ट वाला है, सीने वाला जिसको कहते हैं, रेशे वाला, बोनलेस है, हड्डी वाला नहीं लेना, क्योंकि फिर वो आपकी दांतों में आपको अजीब सा टेस्ट देता है और हड्डी आपको डिस्टर्ब करती है जब आप नूडल खाते हो या स्पैगेटी खाते हो। स्पैगेटी में मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स हैं जो आपके बच्चे लाइक करें, तो एल्बो ज़्यादातर खाते हैं या नूडल, तो आज मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह नूडल। चलो अब इसमें हमने थोड़ा सा सोया सॉस डाल लेना है, थोड़ा सा हमने इसमें सिरका डाल लेना है। मिर्चों का हिसाब और नमक का आपके अपने टेस्ट पे है, आप कैसा लाइक करते हो, आप तेज़ करते हो तो ज़्यादा डाल लो। अब इसको हमने भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो 10 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए रख देना है, और अगर गल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ और वाटर डाल के तो हम इसको इंशाल्लाह ताला नरम कर लेंगे। हमारा चिकन स्पैगेटी जो बनानी थी हमने, उसका चिकन रेडी हो गया है। अगर आपका चिकन नहीं गला तो आप इसको प्रेशर में कर सकती हैं, लेकिन मेरा गल चुका है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसके ऊपर पानी रखते हैं। इसमें मैं नूडल स्पैगेटी डालूंगी और 10 मिनट के बाद आपसे दिखाती हूँ आपको कि वो बॉयल होने के बाद आप क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। स्पैगेटीज जो है नूडल वो रेडी हो गए। ये देखें, इसको हमने ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना, ना ही हमने इसको कच्चा रहने देना है। तो अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं स्पैगेटीज जी। ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है। चिकन इसका नीचे है, तो इसके लिए आपने फोक का इस्तेमाल करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्राई पैन का जो है नीचे वाली बेस ना डैमेज ना हो जाए। फोक इसलिए करेंगे कि ये टूटे ना। अब चिकन नीचे काफ़ी सारा है, तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इंशाल्लाह। चलें जी, हमारी स्पैगेटीज जो है नूडल रेडी हैं, केचप है और साथ मायोनीज है। डिफरेंट पीपल्स जो है वो, मेरा बड़ा बेटा जो है वो मायोनीज लाइक करता है, तो इसलिए मैंने रख दिया। अब ये देखिए, आपने जब इसको देना है, सर्विंग करनी है, तो आप इन्हें फोकी का यूज़ करना है। और जितनी जिसको डिज़ायर है वो आप उसको दे दें। चलो, ये पूरा इंशाल्लाह ताला यकीन है कि आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हमारे घर में ये हर मंडे को लाजमी बनता है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनुल जज़ा।